हेलो एवरीवन, मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्री बोर्ड का मैथ्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन गाइड। ये सेंट्रल बोर्ड का है, सीबीएसई द्वारा जो लिया गया है केंद्रीय विद्यालय में प्री बोर्ड, उसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, मुझे पक्का विश्वास है आपको समझ में आएगा। फिर भी कहीं डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए गाइज। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0 गाइस। ये आपका इक्वेशन गिवन है, इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो चलिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू कर देता हूं। यहाँ देखिए a इक्वल टू आपका 2 है, b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू -6 है गाइस। इसमें d फाइंड कर दिए, d इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो b देखिए इसमें क्या है, +1 है आपका, तो 1² - 4 * देखिए -6 और * 2 गाइस इज इक्वल टू हो गया आपका 1। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने में प्लस हो जाता है। तो 4 * 24 = 48, यानी 48 हो गया 49। तो यहाँ आपने क्या देखा, d जो है ग्रेटर है 0 से, दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। तो दैट मीन्स रूट इक्वल टू हो जाएगा गाइस, रूट इक्वल टू हो गया आपका -b + √d/2a, और दूसरा हो जाएगा -b - √d/2a गाइस। दैट मीन्स -1 + d, देखिए 49 है तो इसका स्क्वायर रूट ले रहे डी का, तो यहाँ हो जाएगा 7 और 2 * a, देखिए क्या है 2 है तो 2 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी यही आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2 * 2, यह आपका आंसर हो गया 6/4। और यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ 1 होना चाहिए, तो यहाँ हो गया -8/4 गए। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर आया इसे कैंसिल कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, तो 3/2 और -2, ये आपका रूट निकल गया, तो ये आपको आंसर हो गया। तो इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन फर्स्ट का और पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बता रखे हैं अपने वीडियो में जो शॉर्ट्स के रूप में है गया, तो उसे जरूर देखिए। यहाँ देखिए बताया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + kx + 1 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि जो डिविएशन यानी डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकालते हैं वो 0 होना चाहिए, यानी d 0 होना चाहिए। तो यहाँ 2 इक्वल रूट है, इसका मतलब d इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स b² - 4ac जो है आपका 0 होना चाहिए। तो इसमें देखिए a क्या है 9 है, b क्या है k है और c क्या है 1 है। तो b की जगह यहाँ k ले लेंगे आप, k - 4 * ए देखिए 9 है तो 9 आ जाएगा और सी देखिए 1 है तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स k² - 36 = 0 हो जाएगा। और कर देंगे आप k² = तो 30, इसको साइड चेंज कर दीजिए तो 36 प्लस में आ जाएगा। जब साइड बदलते हैं तो साइन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है गाइस। तो k² हो गया, अगर स्क्वायर यहां से हटा दिया जाए तो यहाँ आपका हो जाएगा √36 ± दैट मीन्स k = ± 6। तो k का जो वैल्यू है 6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है, ये k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो जब ये 2 इक्वल रूट्स हो तो d = 0 कर देंगे और इसमें सारा फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो आसानी से k का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन फर्स्ट था, और उसी और में क्वेश्चन फर्स्ट का ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों में से कोई एक करना था, मैंने यहाँ दोनों बता दिया है। और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइज। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसे भी जरूर देखिए। रोज इस मैथ्स का जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन पेपर का, मैं रोज अपलोड करूंगा तो उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू गाइज।